के कागजात हैं, होम मिनिस्टर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, कल ही तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रीत कहाँ है? प्रोफेसर, मेरा बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा? लज्जा शंकर उसे कहाँ लेकर गया होगा? रीत कहाँ है? रीत से तुम्हारा क्या मतलब है? इस वक्त खुद मंत्री जी तुमसे बात करने आए हैं। रीत कहाँ है? इस केस की इंचार्ज रीत नहीं, मैं हूं। यानी कि मुझ तक पहुंचने के लिए आपने उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और काम खत्म होने के बाद उसे हटा दिया। ये सब हो क्या रहा है पवार? समय देखो। ए मिस्टर, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे सौदा करने आया हूँ। Look at this fellow, he's just going on and on, बकवास ही करता चला जा रहा है। ये भी नहीं समझ रहा है कि मैं इसकी मदद करना चाह रहा हूँ। Get this and get this straight, आप मेरी मदद करने नहीं, मुझसे मदद मांगने आए हैं, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने आए हैं। आपसे अच्छा तो वो सड़क का भिखारी है जो हाथ फैलाकर ईमानदारी से शिद्दत से भीख मांगता है। जवान संभाल के बात कर पवार। सॉरी सर। देखो प्रोफेसर, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अपने फायदे की बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने मंत्री साहब के बच्चे को बचा लिया तो वो तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, शायद तुम्हें रिहा भी करवा दे। ये मुझे क्या आजाद करवाएंगे? ये तो खुद गुलाम है। ये तो इतने भी आजाद नहीं कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मुझ जैसे मुजरिम से खुलेआम मिल सके। रात के अंधेरे में दुम दबाते हुए प्रेस वालों से बचते हुए तो ये मुझसे मिलने आए हैं। आपके मंत्री जी बच्चे से ज्यादा तो कुर्सी से प्यार करते हैं। तुम लोग यहाँ पर मुझे इसकी गालियां सुनवाने के लिए लाए हो? मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़ी हुई है, मेरे पास वक्त नहीं है और ये अपनी बकवास किया जा रहा है। प्रोफेसर, अपनी औकात में रह के बात कर, तुझसे जो भी पूछा जाता है सीधे सीधे जवाब दे। मुजरिम के बारे में जानते हुए भी छुपाना कानूनी जुर्म है, अंडर सेक्शन 187। डोंट टीच मी लॉ, आई नो लॉ लाइक द बैक ऑफ माय हैंड। अंडर सेक्शन 187, जिसकी सजा 2 महीने कैद या 1000 रुपए जुर्माना है, जो आपके दफ्तर पहुंच जाएगा संभाल के रखिएगा, देश की उन्नति के काम में आएगा। अब आप लोग दफा हो जाइए यहां से। यह सौदा मैंने उस लड़की के साथ किया था क्योंकि वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खुददार। आप लोगों की तरह बेवकूफ, बेईमान या मतलब ही नहीं। लड़की नहीं आई, सौदा कैंसिल, एवरीथिंग ओवर, गुड नाइट जेंटलमैन। आप चलिए सर।